आज मीटिंग क्लियर हो जाएगी और उम्मीद है कि मैं सबसे पहले अपडेट आपको दे दूंगा कि आपकी मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे, तो मैंने आपको लगातार मैं बताया हूँ आपके एग्ज़ाम के ज़्यादा चांस जो हैं वो समझ लीजिए कि 90% चांस हैं कि आपके एग्ज़ाम जैसे होते थे वैसे ही होंगे। हमारी तरफ से यही है। अब आगे चल के चलिए साथियों वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारे दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से इस पर भी पढ़ाया जाएगा उस पर भी, ठीक है, दोनों चैनल पे ये सारी चीज़ें होंगी। जैसा कल ही रात में सबसे पहले अपडेट हमने दिया था अपने चैनल के माध्यम से, तो आपको बता दिया था कि प्रमोशन क्या किसको मिल रहा है, कैसे एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें। तो चलिए आज पेपर में देखते हैं क्या चीज़ आई है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ देख सकते हैं पू बी भी, अभी तक मैंने बताया था जब 28 जून को आया था डेट आया था, तो मैंने उसी रात सबसे पहले बताया था कि ये संभावित तिथि है, मैंने क्लियर किया था। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते थे। यहाँ भी देख सकते हैं जुलाई में पहले सप्ताह से होगी परीक्षाएं, तो इतना तो क्लियर हो गया कि जुलाई से अब होंगे। 1.5 घंटे का होगा प्रश्न पत्र, सवालों की संख्या होगी सीमित। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं जुलाई में पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू कराने पर सहमत बनी। इस दौरान निर्णय लिया गया कि परीक्षा में पहले की तरह सवाल दिए जाएंगे। मैंने आपसे पहले बोला था, अभी कल वीडियो दे करके बोला था कि पता नहीं फलाना ढकाना कौन यूट्यूबर का नाम लेकर के हमारे कमेंट किया जा रहा था कि सर वो बता रहे हैं हमसे कि भाई हम पूर्वांचल में, तो मुझसे आगे हो पाना बहुत मुश्किल वाली बात है, ठीक है, और किसी में हो सकते हो लेकिन उसमें नहीं। तो हमने कल ही बता दिया था कि आपके MCQ नहीं होंगे और लगातार हर वीडियो में बताता भी आ रहा था कि आपके एग्ज़ाम लिखी थी होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद कहा गया कटौती की जाएगी, सवालों केवल कटौती होगी, परीक्षा 3 के बजाय 1.5 घंटे की होगी। समिति की बैठक में तय हुआ कि कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा कराई जाएंगी। कोविड संक्रमण को देखते हुए परीक्षा का समय कम कर दिया गया है। इसके अलावा समिति ने यह तय किया कि जिन विषयों में 2 पेपर परीक्षा होती रही है अब उनके 1 पेपर की परीक्षा होगी, पहले पेपर के आधार पर दूसरे में नंबर दिया जाएगा। जिसके 2 पेपर होते थे, जैसे मान लो BA सेकेंड ईयर 2 पेपर होते होंगे, इस हिसाब से मान लीजिए अगर आपके 2 पेपर होते हैं तो आपके 1 ही पेपर देने होंगे, बाकी आपका दूसरे में नंबर दे दिया जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है आपके यूनिवर्सिटी की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जिसने बोला था, तो लाइक और शेयर ज़रूर चाहिए हमको। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए इन्फोपुर के साथ।